हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग जैसे कि वीकली हॉरोस्कोप, इस हफ्ते अचानक से क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये रीडिंग हो रही है। बेसिकली ये रीडिंग काफ़ी हद तक ज़रूरी भी होती है, स्पेशली अगर कुछ नेगेटिव होने वाला होता है तो उसके लिए हमें सतर्क के सावधान किया जा रहा है, इसके लिए शायद ये रीडिंग हमारे सामने आती है। और दूसरी चीज़, जो भी पॉजिटिव हो रहा है उसके लिए भी एक रिसीविंग मोड में जाने की एक हेल्प होप रहती है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव और होपफुल रहते हैं तभी ही आपके साथ कुछ पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होती है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, पहले मेजर अर्काना से देखेंगे। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द टेम्परेंस, द मून, द वर्ल्ड। एग्जैक्टली वैसे सिचुएशन और फील हो रहा है जिस तरह से एनर्जी मुझे स्पेशली द मून की एनर्जी, वो मुझे ज़्यादा फील हो रही थी, जजमेंट की एनर्जी फील हो रही थी, तो वही निकल के आई है, एक इंट्यूशनली जो फील हो रहा था। तो पहले अच्छे से स्टार्ट करते हैं कि क्या हो सकता है अच्छा इस हफ्ते। एक तो ना जैसे कि एक लक आपका साथ देगा, आप ऐसा लग रहा है ना कि जैसे वक्त आपका साथ दे रहा है, ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन कभी जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो, क्योंकि चीज़ें जब सी अफर्मेशंस की तरह, मैनिफेस्टेशन की तरह चीज़ें काम करती है, तो आपने अगर सोच के ही रखा है कि मेरा नसीब ही ख़राब है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मेरे ये सब चीज़ बकवास है, हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तो आप देखा जाए तो यूनिवर्स को क्वेश्चन कर रहे हो कि जो भी आपके नसीब में लिखा है उसको चीज़, लेकिन आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स भी है वो एज अ पार्ट ऑफ आपके चैलेंजेस है, आपको ग्रो करने के लिए, आपको बेहतर बनाने के लिए, आपको कुछ बनाना है, इसलिए आपके सामने जो चैलेंजेस रखे जा रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट नहीं करो कि ये चैलेंजेस है, ये प्रॉब्लम्स है, तो मुझे उसको समझना है, उसके ऊपर काम करना है, अपने आप को बदलना है, इम्प्रूव करना है। हम लगे पड़े हैं लोगों को चेंज करने में, हम लगे पड़े हैं सिचुएशन को चेंज करने में कि वो बॉस ठीक हो जाए, वो टीम लीडर ठीक हो जाए, वो ये ठीक हो जाए, वो थर्ड पार्टी ठीक हो जाए, ये वाली सिचुएशन हम सोचते रहते हैं और हम अपने आप को ही भूल जाते हैं कि हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, हमें खुश कैसे रहना है, हमें अपने बारे में सोचना है, हमारा क्या वाली सिचुएशन है। तो अगर आप पॉजिटिव वाइज में आते हैं तो डेफिनेटली लक आपका साथ देगा। और ऐसा लग रहा है कि जितने भी कार्ड्स आए ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपकी लाइफ में जो कार्मिक सिचुएशंस थी, कार्मिक सिचुएशंस, हर चीज़ की जैसे एंडिंग हो रही है, जैसे जो मतलब डिपेंड का भी होता है कि जब आप लेसन सीखते हो, ये प्रॉब्लम है, जैसे कि एक स्टोरी होती है, एक कहानी लिखी जाती है और उसके बाद हमें एक सीख दी जाती है, तो वो हमें सीख वो समझ में आ गई ना कि वो हमें करना क्या है, क्या समझना है इससे, वो जब आप समझते हो वही वक्त, उसी वक्त वो सिचुएशन रिलीज हो जाती है, क्योंकि हमारा जो एक पर्पस था उस चीज़ के पीछे वो ख़त्म हो गया है। तो तकलीफ होगी और उसके बाद खुशी भी होगी। जो भी कार्मिक सिचुएशन एंडिंग में दिखा रही है, एक तो लक आपका साथ देगा, आपका ना डिवाइन टाइम आ रहा है, कोई भी चीज़ का हो, पेशेंस है, खास करके ऐसा लग रहा है ना कि आपको ना एक अजीब सी बैलेंस की एनर्जी में लाया जा रहा है, आपको मतलब दिखा जा रहा है कि आप ना एक्सट्रीम अगर अपने आप में ही थे कि जैसे आप समझ रहे थे कि ठीक है भाई दुख तो दुख है, मतलब आप दुखी हो रहे जा रहे, वो भी एनर्जी बैलेंस की जा रहा है, आपको खींच खींच के यूनिवर्स पॉजिटिव तरफ लेके आ रहा है, आपको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। और सेम वे अगर आप में ज़्यादा ही घमंड है, ईगो है, आपको लगता है कि भाई मैं हूँ वाली चीज़ है, तो उसको भी बैलेंस किया जा रहा है, इसलिए आपको तोड़ा जा रहा है कि बस मैं करते जा रहे हो आप, और आप समझ नहीं, क्योंकि अनजाने में सही सॉरी कॉल आ गया था। तो हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि डिवाइन टाइम कुछ हद तक आपके इसमें आ रहा है,
ये डिवाइन टाइम एक्चुअली आपकी जिसने एक साइकिल चेंज कर रहा है, एक साइकिल, एक कार्मिक पैटर्न, आपकी कार्मिक सिचुएशंस चेंज कर रहा है. एंड वो बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे कि आपकी एक नई शुरुआत हो रही है. हो सकता है कि आप, हो सकता नहीं, आपको डेफिनेटली एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली वन के सीरीज़ के, वन के सीरीज़ लाइक 111, 111, 1001, 1010, या ऐसे कुछ भी एंजल नंबर कहीं ना कहीं से दिखाई दे रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि इवन आपका अभी स्पिरिचुअल वे ऑफ थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है. आपको लगता है, आपको भरोसा हो रहा है कि कोई भी चीज़ का जो सोल्यूशन है, स्पेशली आपके लाइफ में, वो एक तरह से ना एक मतलब स्पिरिचुअल वे से मिल सकता है. और ऐसा नहीं है कि मतलब आप ऐसा लाइक पूजा पाठ हो गए, मेडिटेशन, मेडिटेशन है ना जो स्पिरिट्स को कनेक्ट करते हैं, सोल्स को कनेक्ट करते हैं, यूनिवर्स के एनर्जीज को कनेक्ट करते हैं, वो चीज़ों में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, बढ़ेगा. और उसी के थ्रू आपको ना एक बैलेंस की एनर्जी में लाके आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे. आपको बिलीव नहीं होगा कि आप जिस सॉल्यूशंस को ढूंढ रहे थे काफ़ी अरसे से कि ये नहीं हो रहा है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा है जॉब का, इसका उसका, हर चीज़ का, जैसे आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसका आपको जैसे ना सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा था. आपने कितने सारे उपाय कर ले होंगे, कुछ भी होगा, लेकिन समय आपको फील हो रहा था कि नहीं मिल रही यार, ऐसे कैसे नहीं हो रहा है कि मेरे लाइफ में ही सब तकलीफें लिखी जा रही है और सबको रिजल्ट्स मिलते हैं और मुझे ही नहीं मिल रहे. तो वो सारी चीज़ें ना जैसे कि आपके एक स्पिरिचुअल कनेक्शन से जुड़ी थी और एक कार्मिक सिचुएशन से जुड़ी थी कि जैसे कि आपको ना अपने आप को खो के, अपने आप को खो के आपको अपने आप को पाना है. कि जैसे जो आप जो सोच है ना इस वर्ल्ड में कि आप ये है, ये है, ये है, नहीं, आप कुछ नहीं हो के भी बहुत कुछ है, ये वाली सोच आपको रखनी है. कि आपको जैसे ना एक सरेंडर टू यूनिवर्स, ये वाली मोड में जाके आपको जैसे ना हर चीज़ का, क्योंकि मुझे समाव एक फीलिंग आ रहा है जो एक कार्ड होता है अबंडेंस का, वो मुझे बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है. अबंडेंस जैसे कि बहुत सारी जो एक हीलिंग, एक कामनेस, एक खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन उसके लिए जो इंसान को ना एक बैलेंस की एनर्जी में आना पड़ता है, एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पे उसको बेचैनी या एंग्जाइटी से दूर होके एक मतलब उसको भरोसा है, भरोसा है खुद पर और यूनिवर्स के ऊपर कि बस सब ठीक होने वाला है. ये जो जो हो रहा है ना बस एक प्रोसेस है, एक पार्ट ऑफ द लाइफ है, बस उसको बस हैंडल करना है, एक रूटीन है जिसको जिए जाना है और उसको समझना है, उसको इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है. ये सब चीज़ें जैसे आपको बहुत ज़्यादा सिखाई जा रही है, बहुत ज़्यादा. और मुझे डर इस बात का है कि अगर ये प्रोसेस को आप समझ नहीं पाओगे तो आप इस एनर्जी में ना बहुत इमोशनल होने की एनर्जी है, बहुत इमोशनल, कि आप ओवर इमोशनल होंगे, जैसे कि मतलब समझ नहीं पा रहे कि आपको जैसे ना एक टूटने की एनर्जी फील होगी कि बस क्या चीज़ का ऐसा कर्मा है, या क्या चीज़ है, क्यों हो रहा है मेरे लाइफ में ऐसा, क्या मतलब सब कुछ, जैसे सबके लाइफ में सब कुछ चल रहा है, अच्छा चल रहा है और मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है. और अब निगेटिव 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 होते जा रहे हो, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा है सब कुछ, उससे वजह से सिर्फ निगेटिव होने की ही एनर्जी आपको फील हो रही है. तो बेसिकली आपके लाइफ में एक कर्मा क्लिंजिंग प्रोसेस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है. और यहाँ पे डिसीजंस आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे. मुझे से डेफिनेटली फील हो रहा है कि आपको ना मेडिटेशंस की बहुत बहुत ज़रूरत है. जैसे कि आपके आपके अंदर ही आपके सॉल्यूशंस है, बस उसको शांति से सुनना है, समझना है. जैसे आपकी लाइफ में आपको लगता है कि मुझे ऐसा लगना है ना कि आपको ड्रीम्स भी आते हैं, कुछ डरावने भी तो कुछ पॉजिटिव भी है. जैसे कि डरावने से लाइक कि कुछ डेथ हो गया या कुछ एक्सीडेंट है या कुछ कहाँ से गिर रहे हो या कहाँ डूब रहे हो, ये वाली फीलिंग भी है. और कुछ हद तक आपको ना कहीं पे कुछ कहीं दूर दराज पे किसी स्पिरिचुअल जगह पे आप पहुँच गए हो, आपको कुछ कोई बता रहा है, कुछ ऐसे भी ड्रीम्स आ रहे हैं या फिर आएंगे ज़रूर, ये वाली फीलिंग बहुत है. तो बेसिकली लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी हद तक आपकी डिवाइन टाइम आ रहा है. तो जैसे कि कुछ काफ़ी अरसे से जो आप वेट कर रहे थे, जो जॉब है, जो लव लाइफ सोल्यूशन है या कुछ भी चीज़, उसकी एक वक्त आ रहा है कि जिसका सोल्यूशन, एक डिसीजन आपकी तरफ आ रहा है, एक मोमेंट स्टार्ट हो रहा है. क्योंकि वो सिचुएशन से, कार्मिक साइकिल्स आपकी लाइफ से एंड हो रही है. आप धीरे धीरे से ही उस चीज़ों में नोटिस करना शुरू होंगे. जब आप अपने अपने आप में चेंज नोटिस करोगे,
एस ऑफ वैंड्स, नई शुरुआत तो डेफिनेटली है। नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट जरूर है आपकी लाइफ की। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कुछ डिस्कशन, टीम मीटिंग, बिल्डिंग कुछ तो हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जल्दी जल्दी चाहिए। एंग्जाइटी की एनर्जी खत्म नहीं हो रही है कुछ लोगों की। थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द लवर्स एंड द हैंगमैन, और बॉटम में देखे द टू ऑफ वैंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डिसीजंस है आपके जो काफ़ी वेटिंग पे है, स्पेशली जॉब रिलेटेड या फिर कुछ ऑप्शन रिलेटेड, कुछ पर्सन्स रिलेटेड। वो मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो ज़्यादा आपकी, आप कंफ्यूज रहोगे अगर आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, कंफ्यूज रहोगे इस मतलब आपके पास ऑप्शंस ही ऐसे आएंगे ना कि आपको समझ में आ रहा है कि आपको ये चूज़ करना है कि वो चूज़ करना है, पास्ट और फ्यूचर। जैसे कि समझ, मुझे ना एक्स और नेक्स्ट की फीलिंग भी आ रही है कुछ लोगों के केसेस में। तो बेसिकली एक दो मेजर, मतलब दो राहें पे आपको खड़ा किया जाएगा। ये वाली बहुत स्ट्रांग सिचुएशन है, इसीलिए हमेशा ना अपने आप को मेडिटेशन करके बैलेंस में रखिए, ताकि आपके इंट्यूशंस, आपकी जैसे आपके सामने जैसे कुछ सवाल के जवाब अपने आप आते जाएंगे। नई शुरुआत आपके लाइफ में ज़रूर हो रही है इस हफ्ते। एक नया प्रोजेक्ट, नई पैशन, सब कुछ आ तो रहा है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अगर नहीं होगा ना तो ज़बरदस्त एक डिप्रेशन की एनर्जी फील करेंगे आप। आपकी एंजाइटी, आपकी मतलब अब भी नहीं हुआ है, अब भी नहीं हुआ है तो आपका मतलब जैसे ना कुछ, जैसे वक्त पे नहीं होता ना तो आपकी जैसे एनर्जी है ना बहुत डिप्रेशन में चल जाती है। चांसेस ऑफ यूनियन रियूनियन बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है तो आपके लव लाइफ में तो उनकी तरफ से मूवमेंट आ सकता है, मूवमेंट आ सकता है, और जर्नी करके आपसे मिलने आ सकते हैं। मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है कि आप, हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली आपको ट्रैवल करने का ज़रूरत पड़े या मौका मिले। आपकी विश कोई भी है, मतलब शायद किसी जगह जाने की या कुछ चीज़ों की आपकी जो विश है, स्पेशली ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में वो मुझे पूरी होती है बहुत दिख रही है। जो आपका हार्ट ब्रेक सिचुएशन है उससे एक नई शुरुआत हो रही है। हैंग सिचुएशन, हैंग सिचुएशन बेसिकली आपकी ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू है, जहाँ पे आपको बहुत मतलब उल्टा लटका के रखा गया है यूनिवर्स की तरफ से, ताकि आपको समझ में आए कि आपकी आपकी क्या सोच हो और आपको किस नज़र से एक अलग तरीके से दिखना है, आपको क्या चीज़ की सेक्रीफाइस ज़रूरत है और क्या चीज़ सोचना है कि मतलब ज़रूरत, मतलब क्या छोड़ना है आपको, क्या रिलीज़ करना है, कौन सी एनर्जी रिलीज़ करनी है, निगेटिव एनर्जी, जैसे कि आपकी एंग्जाइटी हो, आपने जो एक एक तकलीफ़ या एक गुस्सा पाल के रखा है दिलो दिमाग में, वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, फर्गिवनेस थेरेपी आपको पर बहुत काम करने वाले। फर्गिवनेस, मेडिटेशंस, मैनिफेस्टेशंस, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल किया जा रहा है। स्पिरिचुअल, इट्स नॉट अबाउट रिलीजियस, स्पिरिचुअल। जैसे बार बार आपके सामने एक हीलिंग प्रोसेस की डिमांड की जा रही है, आप हीलिंग करो। आपको जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है, लेकिन उसके लिए ना आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, बदला जा रहा है, बनाया जा रहा है। मीटिंग की एनर्जी है, हो सकता है कि किसी डिस्कशन हो, जॉब और इंटरव्यूज कॉल आ सकते हैं, वो मुझे फील हो रहा है। प्रपोजल कुछ भी, इवन शादी के प्रपोजल्स, लव लाइफ प्रपोजल्स, हर चीज़ दिख रहा है यहाँ पे। एक डिस्कशन फील हो रहा है मुझे। आपकी इनसिक्योरिटी भी बढ़ सकती है अगर आप पॉजिटिव नहीं रहे से, जहाँ पे ये सब कुछ, जैसे ज़रा सी भी आपकी विश पूरी नहीं हुई या कुछ भी नहीं हुआ तो आपकी इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, या फिर ये एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटीज़, ये हार्ट ब्रेक जब आपने पकड़ के रखा है ना, उसी चक्कर में शायद आपको जो मिलने वाले रिजल्ट्स हैं ना वो नहीं मिलेंगे। वो बहुत ज़्यादा एक मुझे फील आ रहा है कि शुरुआत तो है, शुरुआत है, नई शुरुआत है, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव, एक्चुअली पॉजिटिव अप्रोच है यूनिवर्स की तरफ से। लेकिन जैसे कि आपकी टेस्टिंग हो रही है कि आप
अपनी एनर्जी कितनी बैलेंस करते हो। जैसे एंग्जाइटी है भाई, अभी का भी चाहिए, हार्ट ब्रेक से अभी तक आप उभर नहीं पा रहे हो, हील नहीं हो पा रहे हो, लेट गो की एनर्जी नहीं है, इनसिक्योरिटी है कि कब होगा कैसे होगा, कब होगा कैसे होगा, ये बोला तो जा रहा है लेकिन कब होगा कैसे होगा, कब होगा कैसे होगा, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो अब बहुत ज़्यादा, अगर ये एनर्जीज आप रिलीज करते हो और आप पावरफुल तरीके से अपने आप को हैंडल कर पाते ना, मतलब पॉजिटिव कैसे भी करके खींच के अपने आप को पॉजिटिव बना ही रहे ना, तो आप यही सारी चीज़ें हो, मतलब जो भी विश फुलफिलमेंट है, आपकी नई शुरुआत है, यूनियन है, रीयूनियन है, कॉल मैसेज आना, हर चीज़ जैसे ना आप इम्प्रूवमेंट करते दिखोगे। यस, देखते हैं कि यहाँ से गाइडेंस क्या आ रहा है। फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। मतलब आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक लॉजिकल माइंड से है, बस नहीं हो पा रहा है या सामने नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो वही चीज़ है। लेकिन आपको इमेजिनेशन नहीं, मतलब आपको हकीकत में सोचना है कि यही इमेजिनेशन, मतलब आप हर चीज़ को ना एकदम अलग ही अंदाज में, लाइक फ्री कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने आप को फ्री कीजिए माइंड की सोच से कि यही मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे मेरे साथ दुख हो रहा है, तकलीफ हुई है, धोखा हुआ है, ये हुआ है। ये जो फॉरगिवनेस और ये जो लेट गो की एनर्जी है, रिलीज ऑफ द नेगेटिव एनर्जी, बहुत हेल्प करेगी आपको। बट बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। तो बहुत एबंडेंस की फीलिंग भी है, कुछ लोगों को प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है, अगर एक्सपेक्ट कर रहे तो वो है, कहीं से भी कुछ गुड न्यूज़, बेसिकली एक नई शुरुआत मुझे फील हो रही है, एक एबंडेंस की। मुझे इवन न्यू आइडिया, लाइक क्या आप कोई न्यू प्रोजेक्ट, कुछ न्यू चीज़ सोच सकते हो, एक नई तरीके से एक सोचने का एक इरादा भी हो सकता है, और वो सिचुएशंस आपको ना लिटरली बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करेगा आपकी सिचुएशन में, एक अलग तरीके से, अलग कुछ चीज़ ऐसे होगी तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे ना कि ये हो सकता है, पॉसिबल है। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद द मैजेस्टी यूनियन, मैजेस्टी विजन एंड पावर। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जहाँ पे आपको लिटरली पावर, पावर आपकी विजन, मतलब हाँ एक एक्चुअली पूरा ड्रीम फुलफिलमेंट, मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ लोगों की सही, बट तो जो आपकी जो ख्वाहिश है, स्पेशली द स्टार का कार्ड, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जैसे आपकी जैसे विश फुलफिलमेंट होने वाली है, मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होने वाले हैं, ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चांसेस फील हो रहे हैं। और ओपन योर हार्ट फॉर लव, टू लव एंड जॉय। तो एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा ना कि आपकी जो लव लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम, तो वहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, जैसे कि ब्लॉकेजेस खुलने वाले हैं, ब्लॉकेजेस खुलने वाले, एनर्जी फील हो रही है। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप है ना अपनी निगेटिव एनर्जीज में बिल्कुल ना रहे, कि भाई हो नहीं सकता, हो नहीं रहा है, हो नहीं सकता, हो नहीं रहा है, जस्ट गिव सम टाइम एटलीस्ट, क्योंकि यूनिवर्स को भी थोड़ा अपना काम करने के लिए वक्त दीजिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। जो पास्ट की जो निगेटिव फीलिंग है ना, उसको आप प्लीज होल्ड कर करके मत रखिए। वही बार बार यही मैसेज आ रहा है कि आपको मतलब कुछ जैसे बड़ा होने जा रहा है, कुछ अच्छा होने जा रहा है, लेकिन जैसे आपने ना अपने आप को ही बदला नहीं है या निगेटिव एनर्जी स्टेट में है, तो इसके लिए शायद हर चीज़ जैसे रुकी हुई है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो मैंने जैसे बार बार कह रही हूँ ना, मेडिटेशन की आपको बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है मेडिटेशन। न्यू मून इन पाइसेस, पाइसेस साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रहा है, और यहाँ पे अगर वही साइंस की बात करो, साइंस से भी है, लेकिन एक्वेरियस, पाइसेस, कैंसर सब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फील हो रहे हैं। और ये किसी का साइन होना बहुत ज़रूरी नहीं है, पाइसेस की एनर्जी होती है ना कि आपको अंदर ही अंदर डीप डाउन थिंकिंग में लेके जाती है, और उसके बाद ही आपको जैसे कि कुछ
कुछ रिलीज करने के बाद कुछ ओपन हो जाता है, जैसे कि प्रॉस्पेरिटी, कुछ लाइट ओपन होती है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। बहुत एक्चुअली बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि आप अभी तक अपनी एनर्जीज को जो पकड़े हुए ना, उसकी वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो वो मिलेंगे ज़रूर। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।